प्रवीण जी, आपका एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, जिसके लिए आप बात भी कर रहे थे कि स्कूल के अंदर आप देखते होंगे पहले, क्योंकि जो सरकारी स्कूल थे, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज थे या डिग्री कॉलेज थे, वहां पर पहले खेल का एक पीरियड होता था बकायदा, उसके अंदर जेवलिन थ्रो, जो भाला फेंक है या वो चक्का फेंक है या हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारी चीज वहां पर होती थी, और बकायदा फिर उसके बाद एक महीना दो महीने बाद उसका एक कंपटीशन भी होता था, अलग अलग सब लोग आते थे। और आज आप देखिए, आज केवल बच्चे को इतने मोटे मोटे बैग डाल दिए जाते हैं, और वो जो खेल था, जो स्कूल का खेल था, आप देखिए कि जो भाला फेंक है वो कितने स्कूलों में हो रहा है या कितने कोचिंग सेंटर उसके खुले हुए हैं। ये ऐसे ऐसे खेल हैं जो बहुत जरूरी थे और स्कूलों के अंदर की, क्योंकि आपने आज बात की है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज स्कूलों से खेल गायब हो गए, स्कूलों के अंदर केवल और केवल पढ़ाई का और ट्यूशन का बोझ डाल दिया गया। तो ये जो एक चिंता है, इससे कैसे पार पाया जाए, ये एक जो बहुत बड़ा सवाल है कि आज कैसे स्कूलों में खेल को लाया जाए जिससे बच्चे वहां से निकले, और स्पोर्ट्स भी उतना ही जरूरी है जितनी पढ़ाई, ऐसा तो सभी कहते हैं। जी प्रवीण जी, मैं आपको ना एक भविष्यवाणी करता हूँ आपके सामने जी। अभी देखना, हरियाणा में डंडे पेड़ों से तोड़ तोड़ के ना लोग जेवलिन बनाएंगे जी, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था। जब मैंने स्पोर्ट शुरू की थी हैमर, तो मेरे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा तू हैमर डिस्कस क्यों नहीं करता, तो मैं कभी दिखी नहीं थी, तो फिर मुझे कहते छुट्टियों में बाहर आएगा दिखाऊंगा तुम्हें। तो जब मैं स्कूल में पढ़ते ही कॉमनवेल्थ गेम तक चला गया जी, उसके बाद आप यकीन करो कि मेरे स्कूल में बच्चों ने ईंट को ना रस्सी बांध के सारे ग्राउंडों में घुमाते रहना जी। एक निकलना चाहिए किसी गेम में, उसको फॉलो करते हैं बच्चे। साढ़े हमारे क्या है कि कागजों पत्रों में बहुत कुछ है जी, हमारे कागजों पत्रों में बहुत कुछ है। जितने भी अगर आप देखो ना, तो ये 5-7 है, हमारे चाहिए हजारों पार्टिसिपेशन। 135 करोड़ में पार्टिसिपेशन कितनी है नेशनल में? कुछ नहीं है। ये चाहिए लोगों को, बच्चों को पार्टिसिपेट करना स्कूलों में, स्कूल गेम में, स्टेट गेम में। ये सारा खत्म हो गया कल्चर, पहले था ये सारा कुछ, बच्चे पार्टिसिपेट करते थे ग्राउंड में। और ये कोच है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोच, फलाना कोच, इनको आप स्कूलों में लगाओ, ये परफॉर्मेंस देंगे। फिर इनको लगा लिया, इनको जो कोर्स करके आया, मैं एग्जांपल देता हूं, जो एक कोर्स करके आया कोच का, वो बन गया डिस्ट्रिक्ट अफसर, वो तो काम ही छोड़ गया अपना कोच का जी, वो डिस्ट्रिक्ट अफसर बन गया। नहीं, वो कोच का तो लड़ना आ गए थे, नहीं जी मैं तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हूं, कोच थोड़ा। ये चीजें जो है ना, और फिर देखोगे जितना बजट है स्पोर्ट्स का, वो तो खा जाते हैं सारी इनकी तनख्वाह, दूसरे पीए डीए पता नहीं क्या क्या, तो स्पोर्ट्समैन के मुंह में तो कुछ भी ना गया। आपने गाड़ी खरीद के ले आए हो, अब वो पेट्रोल के बिना खड़ी रहेंगी। ये चीजें जो है ना, कोई यहां एक तो मैं देखा है कि जब बाहर से जीत के आते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातें होती हमारे टाइम में, पर हमारा टाइम तो बिल्कुल ही गया गुजरा टाइम था, हमें तो कोई पूछता भी नहीं था हम लोगों को। आज तो फिर भी है कि पूछते तो हैं, इनको करना चाहिए हम लोगों को कि कम से कम पूछते हैं इनको लोगों को। बिल्कुल प्रवीण जी, एक सवाल मैं आपसे और ले रहा हूँ प्रवीण जी, ये जो पूछने वाली बात है, यहाँ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रवीण जी कि जब से क्रिकेट आया, क्योंकि बहुत ही वर्तमान में पॉपुलर गेम है, और आप देखिए कि लगातार इतना लोकप्रिय है कि हर घर में हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने। उसके कुछ कारण रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में पैसा बहुत है, क्रिकेट में सम्मान बहुत है, क्रिकेट में हर चीज जो है वो क्रिकेट के अंदर है। तो जब से क्रिकेट आया, कहीं ना कहीं जो छोटे दूसरे गेम थे वो हाशिए पे चले गए। हाँ, ये अलग बात है कि ओलंपिक में बहुत याद आती है उन खेल की, कॉमनवेल्थ गेम में उन खेलों की बहुत याद आती है, क्योंकि वहाँ क्रिकेट है नहीं, तो तब ये सोचना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, तब लगता है लोगों को कि अब क्रिकेट से अलग हटकर हम भाला फेंक भी सिखाएंगे। अगर वैसे देखें आप तो कहाँ हैं,
तो क्रिकेट में कहीं ना कहीं जो जो लोकप्रियता क्रिकेट की है उसकी साथ साथ अगर हम ये छोटे जो स्पोर्ट्स हैं जिनके लिए आज ओलंपिक के अंदर हम देख रहे हैं कि मेडल आया, बॉक्सिंग में महिला मेडल लेके आई है, बेटी एक मेडल लेके आई है, ये चीजें ये कहीं ना कहीं उस क्रिकेट के जो लोग हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि कैसे और जो गेम है उन्हें भी अपने यहाँ वो चालू करें किसी भी तरीके से। और एक बात और है, यहाँ एक सवाल और बनता है प्रवीण जी कि क्रिकेट के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो BCCI है उसके पास अथाह पैसा, ऐसा सब लोग कहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, अगर है तो उसे बहुत सारे गेम कहीं ना कहीं गोद ले लेने चाहिए और उन बच्चों को ट्रेनिंग कराई देने कराने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। जी प्रवीण जी, हाँ देखिए आपने जो बात की ना क्रिकेट की, क्रिकेट को शौक लोगों को, ये ज्यादा शौक है जुआ खेलने वालों को है, जो जुआ खिलाते हैं और खेलते हैं क्रिकेट को। आप ये तो मैंने देखा है ना यहाँ कि ज्यादा शौक सिर्फ जुआ खेलने और फैलाने का है। उसके बाद नंबर दो, अगर ये टीवी पे इनको बंद कर दो ना, टीवी पे एक दिन ब्लैकआउट कर दो तो कोई इनको पहचाने ना, सिर्फ पंगा का इनको टीवी पे सारा दिन टीवी पे एक शक्ल अब नीले जाए, अब वो गोल्ड मेडल लेके आया, आप देखना 3 दिन के बाद उसकी शक्ल हाशिए पर उतर जाएगी। ये 365 दिन के 64 दिन टीवी पे ही रहते हैं तो लोग तो जबरदस्ती भी आपको देखना पड़ता है इनकी शक्ल। तो ये जो बाकी BCCI पैसा ऐसे नहीं देता, ये तो जिंदगी में आपको जैसे ये निकले हैं लड़के नीरज वगैरह, आप ये आगे निकले एक एक आदमी को देखे 10-10 और निकलेंगे, फिर देखना अपने आप ही क्रिकेट हाशिए पे जाएगी, वैसे नहीं है। बाकी ये पैसे वाली गेम है, गरीब आदमी तो खेल नहीं सकता, वो जो बैड फूड है जो लाते हैं ये, वो पहले इनिशियल खर्चा जो फर्स्ट टाइम जो है ना वो ही पता नहीं 2-4 हजार था, वो बैट लिया वो जो लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं, ये गरीब आदमी थोड़ा स्पोर्ट्स कर सकता है। ये तो जब बन जाते हैं फिर कोई आ जाते हैं बोर्ड वाले कि चल भाई गरीब आदमी की गेम नहीं है क्रिकेट। जी गरीब आदमी के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां हैं प्रवीण जी, और आपकी चिंता एकदम जायज।